तहरीक आदम एतमाद के नाम पर खरीदो फरोख्त का बाजार सजाने वाले सुन ले, कप्तान तुर्क का कार्ड खेलेगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा मफाद परस्तों को खौफ इकट्ठा कर रहा है। इमरान खान जुरत से सारे खेल का मुकाबला करेंगे। वजीर आजम को जहांगीर तरीन से मुलाकात का भी मशवरा दे दिया। उज़्बेकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान को रूस से गैस मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात के दौरान अहम उमूर तय पाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुलाकात में एलएनजी टर्मिनल गवादर पर भी तबादला ख्याल हुआ, दौरे के दूर रस्त बताए जाएंगे। रूसी हमले के बाद अमरीका का यूक्रेन से मुतालिक अपने खदशात का इजहार, रूस इतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा, अमरीकी हुकाम की पेशगोई। पेंटागन का कहना है रूसी फौज यूक्रेन में कठपुतली हुकूमत बनाई। यूक्रेन रूस तनाजे में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात यूक्रेन में फंस गए, हम बेयार और मददगार शेल्टर्स और घरों में पड़े हैं। पाकिस्तानी तलबा ने इनखला के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तानी सफारत खाना कैब से चरनोपल मुंतकिल, शहरियों की मदद के लिए नंबर जारी कर दिए गए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की हालत पर इजहार तशवीश, अपने ट्वीट में लिखा क्या यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा की फरियाद सुनने वाला कोई है। तलबा की फरियाद पर पीपी रहनुमा शरी रहमान भी बरहम, ट्वीट में लिखा हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों और तलबा की वापसी यकीनी बनाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अपोजिशन की मुमकिना तहरीक आदम एतमाद पर भी गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। मुलाकात में वफाकी वजीर शिबली फराज, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, मुशीर वजीर आजम अयूब आफरीदी भी मौजूद। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात कहते हैं मुल्क के अंदर खासतौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है, हम सिर्फ मुलाकातों में मसरूफ रहे तो आवाम एतबार करना छोड़ देंगे, मुआशी हालात दुरुस्त ना किए तो सबकी सियासत खत्म हो जाएगी, मुआशी हालात को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद, कहा तहरीक आदम एतमाद से कुछ नहीं निकलने वाला, अपोजिशन वाले तीन साल से कुछ नहीं कर सके, अब क्या करेंगे, इत्तेहादी हमारे साथ थे और हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था सियासत में दहशतगर्दी सबसे पहले पीपल्स पार्टी लाई। कराची वाटर हाइड्रेंट माफिया के सामने तमाम इदारे बेबस, हाइड्रेंट के खिलाफ पीपीएमएनए आगा रफीउल्ला एमपीए मोहम्मद सलीम बलोच समेत हजारों अफराद का एहतजाज बेअसर रहा। शहरियों ने गैर कानूनी हाइड्रेंट तोड़ दिया तो इंतजामिया ने मुरम्मत करके टैंकर्स को पानी की फरोख शुरू कर दी। और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की टिकट्स की फरोख शुरू, जनरल इंक्लोजर के टिकट की कीमत 100 रुपए, फर्स्ट क्लास टिकट 200, प्रीमियम इंक्लोजर की टिकट 350 रुपए मुकर्रर, वीआईपी इंक्लोजर की टिकट की कीमत 500 रुपए रखी गई, स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी करार। इसीलिए आप हमें वोट दें। जो है जी, हाँ आप अपने बाल संभाले, इलेक्शंस गर्मी पसीना कहीं इनकी शान और शाइन ना बिगाड़ते, बाल संभालेंगे शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन।